डुमरा पुलिस स्टेशन के सामने जो जैन मंदिर का ग्राउंड है उसमें जो पानी की टाकियां लगी है, आइए हम उस पानी की टाकी तरफ आपको ले चलते हैं और उसका जायजा लेते हैं। इस पानी की टाकी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पानी की टाकी का क्या हाल है और प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। इस टाकी के आसपास में सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है और यहाँ पे रात में अक्सर नशेड़ी और शराबी यहाँ पे आकर शराब पीते हैं और नशा करते हैं और टूटी हुई बॉटल यहाँ आकर फेंक के चले जाते। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे सुरक्षा का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया गया है। यहाँ पर लाइट की भी कोई सहूलत नहीं है और ये टाकी कितनी कैपेसिटी की है ये भी इस टाकी पर लिखा हुआ नहीं गया है। अब आगे ये देखना है कि प्रशासन इसके ऊपर क्या कदम उठाता है। ये आप बताइए, जो यहाँ पे पानी की जो टाकी है ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पर काफ़ी दिनों से उसमें कलर नहीं लगा है, ना वहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतज़ाम है, कितने कैपेसिटी की उसमें पानी आता है, कितना कैपेसिटी, उस बारे में आप बताइए। एक्चुअली वो दो टाके, एक 27.5 लाख लीटर के एक टाकी है, दूसरा 17.5 लाख लीटर की एक टाकी है। जो बड़ा टाकी है वो टाकी से हम संजय नगर, अंबेडकर नगर वो एरिया को पानी देते हैं और दूसरा टाकी में फिलहाल वो पानी नहीं भर रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रायल लिया था लेकिन टाकी भरने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स हो रहा है, तो जरा उसको उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं हम लोग दूसरा टाके भरने के लिए। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा है कि कुछ कोई बंदोबस्त नहीं अपने विभाग की तरफ से, वहाँ पे सुरक्षा विभाग को लेटर दो बार दिया है उधर और भी अभी रिमाइंडर दे देंगे और जो भी कंपाउंड वाले, क्योंकि वो फॉरेस्ट का लैंड है उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी उसको प्रस्ताव बनाने का काम चालू है, हम जल्दी भेज के उसको करेंगे। कल को ऐसी कोई घटना हो गई, पानी में कोई कुछ मिला दिया, कुछ कर दिया, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। बराबर है, देते लेटर, देते रिमाइंडर करके देते लेटर। पानी विभाग और थाने महानगर पालिका इस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, परहार टाइम्स।